नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अच्छा हूँ और मैं अभी दुबई में हूँ। दुबई की एक फेमस मॉस्क है, मस्जिद है, जिसको ब्लू मॉस्क भी कहते हैं। और उसका नाम तो वैसे अरबी में उमर अल खताब मॉस्क है। तो ये एक्चुअली ओरिजिनली तो ये 1986 में बनाई गई थी। उसके बाद में इसको 2002 में एक्सटेंड किया गया था, यानी और बड़ा बनाया गया। उसके बाद में 2010 में इसको यहाँ से वापस हटा दिया गया इसको। और उसके बाद में सेम नेक्स्ट ईयर आप ये इसको जो अभी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो 2011 में बनी हुई है। यहाँ से उसको तोड़ कर नई मस्जिद बनाई गई है। तो यहाँ पे मैं आज इसलिए आया हूँ कि ये टूरिस्ट के बीच में काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये कॉपी है जो इस्तांबुल की, यानी टर्की की जो ब्लू मॉस्क है उसकी कॉपी है। तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। और इसके कहूँ तो वन ऑफ द मॉस्क है जिसमें जो दुबई में टूरिस्ट के लिए खुली है पूरे दिन के लिए। हालांकि कई और भी मस्जिद है जो खुली हुई है, लेकिन ये काफ़ी आर्किटेक्चुरल है, इसका जो स्थापत्य कला है वो देखने लायक है। तो मैं यहाँ पे आ जाया हूँ। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं जो चार मिनरेट्स है वो टर्किश स्टाइल की, यानी कि ओटोमन जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उसकी बनी हुई है। जो डोम्स है सेम वैसी लगती है जैसे ब्लू मॉस्क है। तो मेरे साथ चलिए अंदर, आपको मैं दिखाता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए और जो नए व्यूअर्स है अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मेरे साथ। ये रोड की दूसरी साइड से जो मस्जिद का पूरा व्यू देखिए आप, ये जो है ओटोमन स्टाइल की बनी हुई लग रही है। तो ये देखिए, और इसकी चार मिनरेट्स है। स्क्रीन पर आपको तीन ही नज़र आएगी क्योंकि चौथी इसके पीछे है। इधर से अंदर आए सामने से, और ये सामने अभी सूरज सामने होने की वजह से थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी हुई है। ये देखिए सामने से, यहाँ सामने कार पार्किंग है और अंदर यहाँ आगे सीधा इस साइड में जाके वहाँ जूते चप्पल उतारने पड़ते हैं। ये सामने ये देखिए, सामने यही जूते उतार के अंदर जो प्रेयर हॉल है यहाँ पे, ये देखिए पूरी ओटोमन स्टाइल में बनी हुई है। ये सामने शायद इमाम की सीट है, और ये देखिए और यहाँ पे जो मुस्लिम्स के लिए जो होली बुक है कुरान, उसकी कॉपीज रखी हुई है। और ये इतना बड़ा प्रेयर हॉल है, यानी कि 2000 लोगों के लिए प्रे करने की सुविधा यहाँ पे है। और यह टोटली टर्किश स्टाइल में बनी हुई है। ये देखिए, हालांकि ये नई बनी है 2011 में, 2 महीने तक इसकी डिज़ाइन बनाई गई और 10 महीने में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा किया गया था। इससे पहले इस यहाँ पे
जो ओरिजिनली जो मॉस्क बनी थी वो 1986 में बनी, उसके बाद में 2002 में इसका एक्सटेंशन हुआ और फिर उसके बाद में 2010 में पूरा हटाया गया, पूरा उसकी जगह नई मस्जिद बनाई गई ओटोमन स्टाइल में, ओटोमन आर्किटेक्चर, यानी कि जो पुराना टर्किश टाइम का जो आर्किटेक्चर है उस हिसाब से। और दुबई में जो बहुत सारी मस्जिद है, वैसे तो काफ़ी मॉस्क है, लेकिन जो टूरिस्ट के लिए ऑल टाइम ओपन है ऑलमोस्ट दिन में, वो उनमें से एक ये मस्जिद भी है, और भी है लेकिन ये भी है, एक है यहाँ पे, किसी समय टूरिस्ट आके विजिट कर सकते हैं। और उसके लिए लेडीज़ और जेंट्स को ड्रेस कोड भी अनिवार्य है, यानी कि हाफ पैंट वगैरह वो अलाउ नहीं है, लेकिन बार की साइड में यहाँ पे चेंजिंग रूम भी है, वहाँ से आप ले सकते हैं, फुल पैंट पहन सकते हैं, या लेडीज़ है तो वो ये जो अरबी में कहते हैं अबाया, जो लंबा क्लॉथ है वो पहन के यहाँ पे अलाउ किया जाता है। और ये जो कारपेट है आप देख रहे हैं, ये स्पेशली ऐसा बताते हैं कि जर्मनी में स्पेशली इसी मस्जिद के लिए बनवाया गया था। ये देखिए, और दीवारों पे आप देखेंगे तो जबरदस्त पेंटिंग है, वही ओटोमन एरा के टाइम की, नई है लेकिन काफी अच्छी आकर्षक लग रही है। और ये यहाँ से आप देखिए, पूरा जो मेन प्रेयर हॉल है उसका एक विहंगम दृश्य पूरा देखिए आप, ये देखिए, ये ऊपर से भी बहुत बड़ा, यहाँ पे शैंडलियर भी है जो ये अरबी स्टाइल का है, अमीराती स्टाइल का वो लगा हुआ है, और उसके ऊपर आप देखेंगे तो ये जो पेंटिंग्स बनी हुई है ये एकदम ब्लू कलर में है, तो जो ब्लू मॉस्क है इस्तांबुल की टर्की की, उसकी आप कह सकते हैं उससे इंस्पायर है या उसकी कॉपी है। ये जो पिलर है, पिलर पे भी अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे अरबी में जो कुरान की आयतें हैं वो लिखी हुई है ऊपर भी, ये देखिए, और उसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन भी है। ये गुंबद बिल्कुल नीचे से मैं अभी खड़ा हूँ, और ये नीचे से देखिए पूरा, ये देखिए सामने से अच्छा व्यू है। ये सामने की साइड से जो मॉस्क का व्यू देखिए आप, ये सामने मेन प्रेयर हॉल है, और ये जो मिनरेट से आप देख सकते हैं 55 मीटर हाइट में है मिनरेट, 4 मिनरेट्स है, और इस साइड में जो है वो चेंजिंग रूम है, जहाँ पे ये सामने टूरिस्ट जूते पहन रहे हैं, और वापस जो ये सामने एक लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे अपने वो वापस अबाया वगैरह कपड़े है, या ये जो कंदूरा है, जो जो मेंस की यहाँ के ट्रेडिशनल कहूँ तो कपड़े है, जो लंबा ये कुर्ता टाइप होता है वो वापस जमा करवा रहे हैं। और ये इस साइड में पार्किंग है, और जो मुस्लिम्स आते हैं उनके लिए ये जो सामने का है, यहाँ पे जो वो हाथ मुंह वगैरह धोते हैं एब्लूशन, ये देखिए, तो ये एब्लूशन के लिए है, यानी कि उनके वज़ू के लिए ये वाला। और इस साइड में टॉयलेट्स भी बने हुए हैं, और आसपास में काफ़ी अच्छा रेजिडेंशियल एरिया है, काफ़ी अच्छी कॉलोनीज है, जो बाहर के अगर आप घर देखेंगे तो ज़बरदस्त अच्छे बने हुए।
और ये साइड से व्यू कुछ ऐसा है। और इस साइड में ये एंट्रेंस है, वो लेडीज प्रेयर हॉल के लिए, इसमें सिर्फ लेडीज ही अलाउ है। ये ऊपर की साइड में है और जेंट्स का जो मेन प्रेयर हॉल तो है ही है।